हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खाद तेल से भरा टैंकर हुआ पलटी, तेल को लूटने में ग्रामीणों की लगी होड़, तेल को लूटना कई ग्रामीणों को पड़ न जाए भारी। पुलिस थाना पालरी एम के नजदीक रिफाइंड खाद तेल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने में ग्रामीणों की लगी होड़। वही बाल्टी ड्रम मटके आरओएन कैन में भरा तेल मोटरसाइकिल, कार, स्कूटी, बोलेरो, ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा व पैदल भी पहुंचे। सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर लगी लंबी कतार, पुलिस प्रशासन मौके सुबह जल्दी की बताई जा रही है। घटना चालक परिचालक हुए घायल। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंगल कुमार मीना ने बताया, हर रोज सड़कों पर हादसे होते रहते हैं, किसी भी प्रकार का टैंकर पलटी होता है तो ग्रामीणों की भीड़ लग जाती है। बिन सोचे समझे तेल को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें भी पीछे नहीं रहती हैं। अपनी जान को भी जोखिम में डालकर उसे लूटने का प्रयास करते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं होता है आखिरकार ये तेल किस काम का है या इसे कैसे उपयोग में लाना है। कई बार उनके पशु भी मर जाते हैं जो लोग अनजाने में उसे खिला देते हैं और कुछ लोग अनजाने में खा लेते हैं, तो उनके लिए भी हानिकारक बनता जा रहे हैं। वहीं हाईवे पर डीजल लूटना खतरों से खाली नहीं है, प्रशासन को भी इस पर सख्ती लगाने की आवश्यकता है। और कई बार डीजल पेट्रोल के टैंकर पलटी होते हैं, उसमें हादसे भी हो चुके हैं। अनजाने में कोई बुजुर्ग बीड़ी सिगरेट पीते हुए यदि डीजल लूटने पेट्रोल लूटने चला गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में ग्रामीणों समझाने की आवश्यकता है। मैं डीजल पेट्रोल या अन्य खाद तेल लूटने का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जान को जोखिम में डालकर लूटना गलत है। इस दौरान थाना अधिकारी पद्मा शर्मा, हेड कांस्टेबल अशोक जी, दिनेश जी मौजूद थे। जागरूक टीवी की पोस्टल से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।